हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हम फाइनली अपने होम का लेवल 15 करने वाले हैं। एंड 15 लेवल पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें अनलॉक होंगी, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे गोल्डन ट्री ऐड किया गया है, इसके साथ सिल्वर ट्री भी है। इनमें से कौन सा ट्री सबसे बेस्ट है एंड इनसे आप लोगों को क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, कौन सा ट्री आप लोगों को अपने होम के अंदर लगाना चाहिए, ये इलाइट होम कॉइन से परचेज होगा। एंड मेरे पास कुछ कॉइन्स पड़े हुए हैं, सो मैं भी इनमें से एक ट्री परचेज करने वाला हूँ। कौन सा परचेज करूंगा वो तो देखने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा बेस्ट है। बट सबसे पहले अपने होम का लेवल अप कर लेते हैं। अगर आप लोग अभी देखोगे तो मेरा लेवल 11 है एंड लेवल 12 जैसे ही मैं करूंगा तो यहाँ पे स्टोरी प्लस 4 हो रही है, स्ट्रक्चर एंड फर्नीचर्स भी कुछ ऐड हो जाएंगे एंड एक रिवार्ड भी मिल रहा है। बट स्टोरी का क्या मतलब है, अगर आप लोग यहाँ पे बिल्डिंग देखोगे ना तो मेरी जस्ट 2 स्टोरी बिल्डिंग है। जैसे ही मैं लेवल 12 कर लूंगा तो यहाँ पे मैं एक और स्टोरी ऊपर क्रिएट कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मुझे ये लेवल अप रिवार्ड मिलेगा। सो जल्दी से अपने कुछ कॉइन्स लगेंगे एंड कॉइन्स लगा के इसको अपग्रेड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, अपना लेवल 12 हो चुका है एंड लेवल 12 होते ही हमारे पास यहाँ पे आप लोग एक ऊपर और स्टोरी क्रिएट कर पाओगे, मतलब 3 स्टोरी बिल्डिंग आप लोगों की हो जाएगी। लेवल 13 पर हमें कुछ भी इतना खास नहीं मिल रहा, जस्ट स्ट्रक्चर्स फर्नीचर्स ऐड होंगे एंड कुछ रिवार्ड्स मिल रहे हैं। जल्दी से इसको भी लेवल अप कर लेते हैं एंड फाइनली अपना लेवल 13 हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल 14 पर भी सेम हमारे पास कोई भी इतने खास रिवार्ड्स नहीं है, तो इसको भी जल्दी से अपग्रेड कर लेते हैं एंड लेवल 14 भी अपना हो चुका है। उसके बाद लेवल 15 मेन है, इसमें आप लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा एरिया अनलॉक हो जाएगा। इसके साथ आप लोग ग्रुप एडिटिंग भी कर सकते हो। ग्रुप एडिटिंग मतलब आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह को बुला सकते हो, वो आप लोगों के साथ आपका होम बिल्ड कर सकते हैं। एंड लेवल 15 पे हमारे पास ये वाली एक टाइल एंड सेम इसी तरह बैक वाली साइड पे भी एक टाइल अनलॉक हो जाएगी, मतलब यहां पे भी आप लोग अपने होम को बिल्ड कर सकते हो। अभी जल्दी से इसको भी अपग्रेड करते हैं एंड इसी के साथ हमें कुछ इलाइट होम कॉइंस भी मिलेंगे एंड फाइनली अपना लेवल 15 हो चुका है। लेवल 15 होना ही मेन चीज है। लेवल 15 के बाद आप लोगों को लेवल 20 पे जाके नेक्स्ट एरिया अनलॉक होगा। उसके पहले आप लोगों को कोई भी चीज मतलब इतनी अच्छी आप लोगों की अनलॉक नहीं हो रही। अब हम लेवल 20 ही डायरेक्ट अनलॉक करेंगे। लेवल 20 पे हमारे पास ये वाली एक टाइल एंड सिमिलरली उस साइड पे भी एक टाइल, मतलब लेवल 15 पे हमारे पास ये फ्रंट एंड बैक साइड पे एक टाइल अनलॉक हुई, तो लेवल 20 पे हमारे पास ये वाली एक रो एंड सिमिलरली आप लोगों के पास लेफ्ट वाली साइड पे भी एक रो। जैसे ही आप लोग लेवल 20 कर लोगे तो ये दोनों साइड पे आप लोगों के पास एक एक टाइल और अनलॉक हो जाएगी, मतलब आप लोगों के पास और काफी ज्यादा एरिया आ जाएगा। बाय द वे अभी अपना लेवल 15 हो चुका है एंड 15 लेवल पे भी काफी अच्छा खासा एरिया अनलॉक हो चुका है, मतलब अगर आप लोग कोई भी अच्छा सा डिजाइन बिल्ड करना चाहो तो इजीली कर पाओगे। बट लेवल 20 पे जाके हमारे पास और भी एरिया आ जाएगा, फिर लेवल 25, 30, इसी तरह हमारे पास 50 लेवल्स हैं एंड 50 लेवल तक आप लोगों के पास एरिया अनलॉक होता ही रहेगा। एंड जो भी आप लोगों को रिवार्ड्स मिल रहे होंगे वो लेवल्स अप पे आप लोग देख लेना। बट मेन चीज़ लेवल 15 हो चुका है, अब हम बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइंस इजीली कॉपी कर सकते हैं या फिर खुद से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं एंड मैं भी ट्राई करूंगा। जस्ट लेवल 15 का ही मैं वेट कर रहा था, जैसे ही हमारा लेवल 15 अनलॉक होना था मैंने काफ़ी अच्छे डिज़ाइन सोच के रखे हुए हैं एंड वो सारे के सारे डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अभी देखते हैं अपने पास कुछ न्यू ट्रीज ऐड किए गए हैं। अगर आप लोग यहाँ पे अपने ट्री के पास आओगे तो यहाँ पे मैनेज प्लांट पे आप लोगों ने क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास 2 गोल्डन एंड 1 सिल्वर ट्री न्यू ऐड हुआ है। ये आप लोगों को अगर आप लोग यहाँ पे ये वाला ट्री देखोगे ना तो ये आप लोगों के पास बाय डिफॉल्ट आप लोगों को लेवल 4 पर मिल जाएगा। इस पर आप लोगों को यहाँ पे 40 कॉइन्स मिलेंगे हर 1 घंटे के बाद एंड मैक्सिमम आप लोगों के 480 होंगे एंड 30% आप लोगों का कोई फ्रेंड भी कलेक्ट कर देना तो 30% उसका भी आप लोगों को मिल जाएगा। बट अगर आप लोग गोल्डन ट्री पे जाओगे यहाँ पे आप लोगों के 200 इलाइट होम कॉइन से मिलेगा, 45 कॉइन हर घंटे के बाद आप लोगों को मिलेंगे एंड 1600 प्लस कॉइन्स आप लोगों के यहाँ पे मैक्सिमम स्टोर होंगे। और आप लोगों को यहाँ पे 15% अगर आप लोगों को कोई भी फ्रेंड कलेक्ट करता है कॉइन्स आपके ट्री से तो 15% उसका भी आप लोगों को मिलेगा, बट 200 इलाइट होम कॉइन से आप लोग इसको परचेज कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट सिल्वर ट्री भी है, इसको आप लोग जस्ट 25 इलाइट होम कॉइन से ले सकते हो एंड अगर आप लोग ये सिल्वर ट्री अपने होम के अंदर प्लांट करते हो तो इससे हर घंटे में आप लोगों को 40 कॉइन्स एंड मैक्सिमम जो इसके अंदर स्टोर कैपेसिटी है वो 960 कॉइन्स की है एंड 20% आपका फ्रेंड का भी आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद है स्मॉल गोल्डन ट्री, इसके अंदर आप लोगों को हर 1 घंटे के अंदर 50 कॉइन्स मिलेंगे एंड टोटल 600 स्टोर होंगे एंड 30% अगर आप लोगों के फ्रेंड्स वगैरह आपके होम से यहां पे कॉइन्स कलेक्ट करते हैं इस ट्री से तो उसका 30% भी आप लोगों को मिल जाएगा। एंड मैंने इसको परचेज कर लिया है जस्ट 35 इलाइट होम कॉइन से मिलना था ये। एंड इसके अंदर होगा क्या, जैसे मैं इसको स्वैप करूंगा मतलब ये
मेरा यहाँ पे ट्री प्लांट हो चुका है। अब होगा क्या कि इसके अंदर हर घंटे के अंदर 50 कॉइन्स यहाँ पे जनरेट होते रहेंगे एंड टोटल मतलब आप लोगों के 50 कॉइन्स हर एक घंटे में जनरेट होंगे एंड आप लोगों के जो मैक्सिमम स्टोर हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक पूरे दिन में कलेक्ट ही नहीं किए, आप लोगों ने नेक्स्ट डे कलेक्ट किए, तो जो मैक्सिमम कॉइन्स यहाँ पे स्टोर होंगे वो 600 है। इसी तरह अगर आप लोग बड़े वाला ट्री प्लांट कर लेते हो जो 200 होम कॉइन से मिल रहा है इलाइट होम कॉइन से, तो उसमें तो आप लोग के 1620 कॉइन्स आप लोगों को मिल जाया करेंगे, बट उसके लिए इतना टाइम लगेगा। मतलब इसमें है कि आप लोगों को टाइम टू टाइम जैसे आप लोगों के 600 कॉइन्स हो जाए आप लोगों को आके कलेक्ट करने पड़ेंगे। बट अगर आप लोग वो बड़े वाला ट्री लगा लेते हो तो उसमें आप लोग डेली आप लोग ना भी लॉग इन करो, मतलब दो दिन के बाद भी कलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि उसकी स्टोर कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। एंड इस वाले की थोड़ी सी स्टोर कैपेसिटी कम है, बट आप लोगों को 35 कॉइन्स के अंदर मिल रहा है। सो ये आप लोग अपने होम के अंदर लाजमी से प्लांट कर लेना। आप लोग डेली एक बार ही लॉग इन करके 600 कॉइन्स कलेक्ट कर लिया करना, वैसे आप लोग दो बार ही कलेक्ट कर सकते हो क्योंकि 50 कॉइन्स आप लोगों को हर एक घंटे के बाद मिलेंगे एंड मैक्सिमम 600 स्टोर हो सकते हैं, मतलब 12 घंटे के अंदर 600 कॉइन्स हो जाया करेंगे। एंड एक दिन के अंदर आप लोग दो बार ही इनको कलेक्ट कर सकते हो इजीली। एक आप लोग मॉर्निंग टाइम कर लिया करना, एक रात को सोने से पहले एक आप लोग कर लिया करोगे ना, तो आप लोगों को एक दिन के अंदर 1200 होम कॉइन्स यहां से मिल जाया करेंगे। वैसे दूसरा ट्री जो आप लोगों के पास ऑलरेडी लगा हुआ है उसमें आप लोगों को 480 कॉइन्स मिल जाते हैं, वो भी काफी सही है, बट ये गोल्डन ट्री लगा लोगे एक तो इससे आप लोगों की कुछ प्रोस्पैरिटी इंक्रीज हो जाएगी, 46 प्रोस्पैरिटी आप लोगों की इस जो गोल्डन ट्री है इसे इंक्रीज हो जाएगी। एंड इसके साथ आप लोगों को कुछ ज्यादा होम कॉइन्स भी मिल जाया करेंगे एंड उससे आप लोग कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह फर्नीचर वगैरह परचेज कर लेना जो आप लोगों को चाहिए हो, जो आप लोगों के होम के लिए बेस्ट हो, एंड उससे आप लोगों की प्रोस्पैरिटी भी इंक्रीज होती रहेगी। एंड मेन एक ही चीज है कि जितनी ज्यादा प्रोस्पैरिटी होगी उतनी ही ज्यादा आप लोगों का लेवल इंक्रीज होगा, मतलब प्रोस्पैरिटी ही एक चीज है जिसकी बेस पे लेवल इंक्रीज हो रहा होता है। एंड इसके अलावा काफी ज्यादा होम डिजाइन, अगर आप लोग ये वाला होम कॉपी करना चाहते हो तो यहाँ पे फ्रंट से देख लो, ये आप लोग कॉपी कर सकते हो। बाय द वे मैं ट्राई करूंगा कि काफी ज्यादा डिजाइन आप लोगों के लिए लेकर आऊं। एंड अगर आप लोगों के पास अच्छे अच्छे डिजाइन हैं, मतलब आप लोगों ने कुछ क्रिएट किए हुए हैं, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर उनके स्क्रीनशॉट्स या फिर वीडियोस बना के सेंड कर सकते हो एंड वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, मतलब चैनल पर शेयर कर दूंगा। प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।